फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोले और सच्ची बात जब उसके पास पहुंच जाए तो उसे झुठलाए। क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं, वो जो चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार के पास मौजूद है। नेकूकारों का यही बदला है ताकि अल्लाह उनसे बुराइयों को जो उन्होंने की दूर कर दे और नेक कामों का जो वो करते रहे उनको बदला दे। क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं? और ऐ नबी, ये तुमको उन लोगों से जो अल्लाह के सिवा हैं यानी गैरुल्लाह से डराते हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं और जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह इज्जत वाला बदला लेने वाला नहीं है? और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कहो कि भला देखो तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझको कोई तकलीफ पहुंचानी चाहे तो क्या वो उस तकलीफ को दूर कर सकती हैं? या अगर वो मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या वो उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? कह दो कि मुझे अल्लाह ही काफी है, भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं। कह दो कि ऐ कौम, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूं। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर आजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा और किस पर हमेशा का आजाब नाजिल होता है। हमने तुम पर यह किताब लोगों की हिदायत के लिए सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो जो शख्स हिदायत पाता है तो अपने भले के लिए, और जो गुमराह होता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और ऐ पैगंबर, तुम इनके जिम्मेदार नहीं हो। अल्लाह लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज कर लेता है और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है, फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हो और न कुछ समझते ही हो, तब भी कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है, उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। और अगर जालिमों के पास वो सब मालो मता हो जो जमीन में है और उसके साथ उसी कदर और हो, तो कयामत के रोज बुरे अजाब से रिहाई पाने के बदले में दे डालें, और उन पर अल्लाह की तरफ से वो अम्र जाहिर हो जाएगा जिसका उनको ख्याल भी न था, और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। सो जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसको अपनी तरफ से नेमत बख्शते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे मेरे इल्म दानिश के सबब मिली है। नहीं, बल्कि वो आजमाइश है, मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते। जो लोग इनसे पहले थे वो भी यही कहा करते थे, तो जो कुछ वो किया करते थे उनके कुछ काम ना आया, आखिर उन पर उनकी बुराइयों का वबाल पड़ गया। और जो लोग उनमें से जुल्म करते रहे हैं उन पर भी उनके बुरे आमाल का वबाल अनकरीब पड़ेगा, और वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिज्क को फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है? जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना, अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आवाके हो अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्मा बरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा ना हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा, या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता,
या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकुकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला तुम कयामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोजख में नहीं है? और जो परहेजगार हैं उनकी कामयाबी के सबब अल्लाह उनको नजात देगा, न तो उनको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वो गमनाक होंगे। अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज का निगरान है। उसी के पास आसमानों और जमीन की कुंजियां हैं, और जिन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। कह दो कि ऐ नादानों, तो क्या तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं गैरुल्लाह की परस्तिश करने लगूं? और ऐ पैगंबर, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यही वही भेजी गई है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे, बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में रहो। और उन्होंने अल्लाह की कद्र शनासी जैसी करनी चाहिए थी नहीं की, और कयामत के दिन तमाम जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे, और वो उन लोगों के शिर्क से पाक है, बुलंद बरतर है। और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर वो जिसको अल्लाह चाहे। फिर दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे, और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी और आमाल की किताब खोल कर रख दी जाएगी, और पैगंबर और दूसरे गवाह हाजिर किए जाएंगे और उनमें इंसाफ से फैसला किया जाएगा और उनके साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी। और जिस शख्स ने जो अमल किया होगा उसको उसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा, और जो कुछ ये करते हैं उसको सबकी खबर है। और काफिर गिरोह गिरोह करके जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हारे इस दिन के पेश आने से तुम्हें डराते थे? वो कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन काफिरों के हक में अजाब का हुक्म साबित हो चुका था। कहा जाएगा कि दोजख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे। सो तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनको गिरोह गिरोह करके बहिश्त की तरफ ले जाया जाएगा, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे इस हाल में कि उसके दरवाजे खोले जा चुके होंगे और उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम बहुत अच्छे रहे, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। और वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने वादे को हमसे सच्चा कर दिया और हमको इस जमीन का वारिस बना दिया। हम बहिश्त में जहां चाहे रहें तो अच्छे अमल करने वालों का बदला भी कैसा खूब है। और तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द घेरा बांधे हुए हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ व तस्बीह कर रहे हैं, और उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से है जो जबरदस्त है, दाना है, जो गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला है, साहिब करम है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, तो इन लोगों का शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखे में न डाल दे। इनसे पहले नूह की कौम और उनके बाद और उम्मतों ने भी पैगंबरों की तकजीब की, और हर उम्मत ने अपने पैगंबर के बारे में यही कष्ट किया कि उसको पकड़ लें और बेहुदा शुभहात से झगड़ते रहे कि उससे हक को जायल कर दें, तो मैंने उनको पकड़ लिया, सो देख लो मेरा अजाब कैसा हुआ। और इसी तरह काफिरों के बारे में भी तुम्हारे परवरदिगार की बात पूरी हो चुकी है कि वो अहले दोजख हैं, जो लोग अर्श को उठाए हुए और जो उसके गिर्दा गिर्द हल्का बांधे हुए हैं यानी फरिश्ते, वो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को समोए हुए है, तो जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले उनको बख्श दे और दोजख के अजाब से बचा ले।
ऐ हमारे परवरदिगार, उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो जो उनके बाप दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों उनको भी। बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है, और उनको बुरी हालतों से बचाए रखियो। और जिसको तू उस रोज बुरी हालतों से बचा लेगा तो तूने बेशक उस पर मेहरबानी फरमाई, और यही बड़ी कामयाबी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे तो अल्लाह इससे कहीं ज्यादा बेजार होता था जिस कदर तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो। वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमको दो दफा बेजान किया और दो दफा जान बख्शी, हमको अपने गुनाहों का इकरार है, तो क्या निकलने की कोई सबील है? ये इसलिए कि जब तन्हा अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो मान लेते थे। सो हुक्म तो अल्लाह ही का है, जो बुलंद बाला है, बड़ा है। वही तो है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और तुम पर आसमान से रिज़्क उतारता है, और नसीहत तो वही हासिल करता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। तो अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो, अगरचे काफिर बुरा ही माने। वो मालिक दराजात आली और साहिब अर्श है। अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने हुक्म से वही भेजता है ताकि मुलाकात के दिन से डराए। जिस रोज वो निकल पड़ेंगे उनकी कोई चीज अल्लाह से मख्फी न रहेगी। सवाल होगा, आज किसकी हुकूमत है? जवाब मिलेगा, अल्लाह की, जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। आज के दिन हर शख्स को उसके आमाल का बदला दिया जाएगा। आज किसी के हक में बेइंसाफी नहीं होगी। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और उनको करीब आने वाले दिन से डराओ जबकि दिल गम से भर कर गलों तक आ रहे होंगे। जालिमों का कोई दोस्त नहीं होगा और न कोई सिफारिशी जिसकी बात कबूल की जाए। वो आंखों की खयानत को जानता है और जो बातें सीनों में पोशीदा हैं उनको भी। और अल्लाह सच्चाई के साथ फैसला फरमाता है, और जिनको ये लोग पुकारते हैं वो कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। क्या इन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? वो इनसे जोर और जमीन में निशानात बनाने के लिहाज से कहीं बढ़कर थे, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया, और उनको अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला न था। यह इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली दलीलें लाते थे तो वो कुफ्र करते थे, सो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। बेशक वो साहिब कुव्वत है, सख्त अजाब देने वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां और दलीलें रोशन देकर भेजा, यानी फिरौन और हामान और कारून की तरफ, तो उन लोगों ने कहा कि यह तो जादूगर है, झूठा। गरज जब वो उनके पास हमारी तरफ से हक लेकर पहुंचे तो वो कहने लगे कि जो लोग इसके साथ अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनके बेटों को कत्ल कर दो और बेटियों को जिंदा रहने दो, और काफिरों की तदबीरें बेठिकाने होती हैं। और फिरौन बोला कि मुझे छोड़ो कि मूसा को कत्ल कर दूं और वो अपने परवरदिगार को बुला ले, मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हारे दीन को न बदल दे या मुल्क में फसाद न पैदा कर दे। और मूसा ने कहा कि मैं हर मुतकब्बिर से जो हिसाब के दिन यानी कयामत पर ईमान नहीं लाता अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूं। और फिरौन के लोगों में से एक मोमिन शख्स जो अपने ईमान को पोशीदा रखता था कहने लगा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है और वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानियां भी लेकर आया है, और अगर वो झूठा होगा तो उसके झूठ का जरर उसी को होगा, और अगर सच्चा होगा तो कोई सा अजाब जिसका वो तुमसे वादा करता है तुम पर वाकई होकर रहेगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरने वाला है, बड़ा झूठा है। ऐ कौम, आज तुम्हारी ही हुकूमत है और तुम ही मुल्क में गालिब हो, लेकिन अगर हम पर अल्लाह का अजाब आ गया तो उसके दूर करने के लिए हमारी मदद कौन करेगा? फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें वही बात सुझाता हूं जो मुझे सूझी है और वही राह बताता हूं जिसमें भलाई है। तो जो मोमिन था वो कहने लगा कि ऐ कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत खौफ है कि तुम पर दूसरी उम्मतों की तरह के दिन का अजाब आ जाए, जैसे नूह की कौम और आद और समूद और जो लोग उनके बाद आए हैं उनके हाल की तरह तुम्हारा हाल ना हो जाए। और अल्लाह तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। और ऐ कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत पुकार के दिन यानी रोजे कयामत का खौफ है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर कयामत के मैदान से भागोगे,
उस दिन तुमको कोई अजाब इलाही से बचाने वाला ना होगा और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास खुली बातें लेकर आए थे तो जो वो लाए थे उसकी तरफ से तुम बराबर शक ही में रहे, यहां तक कि जब वो वफात पा गए तो तुम कहने लगे कि अल्लाह उनके बाद कभी कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उस शख्स को गुमराह रहने देता है जो हद से निकल जाने वाला शक करने वाला हो। जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई दलील आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नजदीक और मोमिनों के नजदीक झगड़ा सख्त नापसंद है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। और फिरौन ने कहा कि हामान मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं, यानी आसमान के रस्तों पर, फिर मूसा के माबूद को झांक कर देख लूं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और इसी तरह फिरौन को उसके आमाल बद अच्छे मालूम होते थे और वो रस्ते से रोक दिया गया था। और फिरौन की तदबीर तो बेकार थी। और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा कि भाइयों मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। भाइयों ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज फायदा उठाने की चीज है और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेहिसाब रिस्क मिलेगा। और ऐ कौम मेरा क्या हाल है कि मैं तो तुमको नजात की तरफ बुलाता हूं और तुम मुझे दोजख की आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और उस चीज को उसका शरीक मुकर्रर करूं जिसका मुझे कुछ भी इल्म नहीं, और मैं तुमको इज्जत और इख्तदार वाले बख्शने वाले माबूद की तरफ बुलाता हूं। सच तो यह है कि जिस चीज की तरफ तुम मुझे बुलाते हो उसको दुनिया और आखिरत में बुलाने का कोई फायदा नहीं, और हमको अल्लाह की तरफ लौटना है और हद से निकल जाने वाले ही दोज़खी हैं। जो बात मैं तुमसे कहता हूं तुम उसे आगे चलकर याद करोगे, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, बेशक अल्लाह बंदों को देखने वाला है। गरज अल्लाह ने उसको उन लोगों की तदबीरों की बुराइयों से महफूज रखा और फिरौन वालों को बुरे अजाब ने आ घेरा, यानी आतशे जहन्नम के सुबह शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं, और जिस रोज कयामत बरपा होगी हुक्म होगा कि फिरौन वालों को सख्त अजाब में दाखिल करो। और जब वो दोजख में झगड़ेंगे तो गरीब लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम दोजख के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो? बड़े आदमी कहेंगे कि तुम भी और हम भी सब दोजख में हैं, अल्लाह बंदों में फैसला कर चुका है, और जो लोग आग में जल रहे होंगे वो दोजख के दारोगों से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से पुकार कर कहो कि वो एक रोज तो हमसे थोड़ा सा अजाब हल्का कर दे। वो कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर निशानियां लेकर नहीं आए थे? दोजखी कहेंगे क्यों नहीं? तो वो कहेंगे कि तुम ही पुकार लो। और काफिरों की पुकार उस रोज बेकार होगी। हम अपने पैगंबरों की और जो लोग ईमान लाए हैं उनकी दुनिया की जिंदगी में भी मदद करते हैं और जिस दिन गवाह खड़े होंगे यानी कयामत को भी। जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत कुछ फायदा न देगी और उनके लिए लानत और उनके लिए बुरा घर है। और हमने मूसा को हिदायत की किताब दी और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया, जो अक्ल वालों के लिए हिदायत और नसीहत थी। लिहाजा सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपनी कोताही के लिए मुआफी मांगो और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो। जो लोग बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं उनके दिलों में और कुछ नहीं, ऐसी बड़ाई है जिसको वो पहुंचने वाले नहीं, तो अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है देखने वाला है। आसमानों और जमीन का पैदा करना लोगों के पैदा करने की निस्बत बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं, और न ईमान लाने वाले नेकूकार और न बदकार बराबर हैं। हकीकत यह है कि तुम बहुत कम गौर करते हो। कयामत तो आने वाली है, उसके आने में कुछ शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से अज़राए तकब्बुर कतराते हैं अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे।
अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है जो हर चीज का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां से भटकाए जाते हो? इसी तरह वो लोग भटकाए जाते थे जो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे। अल्लाह ही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और तुम्हें पाकीजा चीजें खाने को दी। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, सो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही बाबरकत है। वही जिंदा जावेद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसकी इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए नबी, कह दो कि मुझे इस बात की ममानियत की गई है कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनकी परस्तिश करो, और मैं उनकी परस्तिश कैसे करूं जबकि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से खुली दलीलें आ चुकी हैं और मुझको हुक्म यह हुआ है कि परवरदिगार आलम ही का फरमाबरदार रहूं। वही तो है जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा बनाकर, फिर लोथड़ा बनाकर, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालता है, फिर तुम अपनी जवानी को पहुंचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो और कोई तुम में से पहले ही मर जाता है और आखिर तुम मौत के वक्त मुकर्रर तक पहुंच जाते हो, और ताकि तुम समझो। वही तो है जो जिंदगी और मौत देता है, फिर जब वो कोई काम करना यानी किसी को पैदा करना चाहता है तो उससे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं? ये कहां से फेरे जाती हैं? जिन लोगों ने हमारी किताब को और जो कुछ हमने पैगंबरों को देकर भेजा उसको झुठलाया, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे, जबकि उनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी, वो घसीटे जाएंगे यानी खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि वो कहां हैं जिनको तुम अल्लाह के शरीक बनाते थे यानी गैरुल्लाह। कहेंगे वो तो हमसे जाते रहे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज को पुकारते ही नहीं थे। इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह रहने देता है। ये उसका बदला है कि तुम जमीन में नाहक खुश हुआ करते थे और इस वजह से कि इतराया करते थे। अब जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसी में रहोगे, सो मुतकब्बिरों का क्या बुरा ठिकाना है। तो ऐ पैगंबर, सब्र करो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, फिर अगर हम तुम्हें उस अजाब में से कुछ दिखा दें जिसका हम इनसे वादा करते हैं, या हम तुम्हें वफात दे दें, तो बहरहाल इनको तो हमारी ही तरफ लौट कर आना है। और हमने तुमसे पहले बहुत से पैगंबर भेजे, उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान कर दिए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके हालात बयान नहीं किए, और किसी पैगंबर को इख्तियार न था कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा तो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया, और तभी अहले बातिल नुकसान में पड़ गए। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि उनमें से बाज पर तुम सवार हो और बाज को तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए उनमें और भी फायदे हैं, और इसलिए भी कि अगर कहीं जाने की तुम्हारे दिलों में ख्वाहिश हो तो उन पर चढ़कर वहां पहुंच जाओ, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता रहता है, सो तुम अल्लाह की किन किन निशानियों को न मानोगे? क्या इन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ, हालांकि वो इनसे कहीं ज्यादा और ताकतवर और जमीन में निशानात बनाने के एतबार से बहुत बढ़कर थे, तो जो कुछ वो करते थे वो उनके कुछ काम ना आया। और जब उनके पैगंबर उनके पास खुली निशानियां लेकर आए तो जो इल्म अपने ख्याल में उनके पास था उस पर इतराने लगे, और जिस चीज से तमस्खुर किया करते थे उसने उनको आ घेरा। फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाए और जिस चीज को हम उसका शरीक बनाते थे उससे मुनकिर हो गए। फिर जब वो हमारा अजाब देख चुके उस वक्त उनके ईमान ने उनको कुछ भी फायदा ना दिया। ये अल्लाह की आदत है जो उसके बंदों के बारे में चली आती है, और वहां काफिर घाटे में रह गए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम। ये किताब रहमान और रहीम की तरफ से उतरी है, ऐसी किताब जिसकी आयतें जुदा जुदा बयान की गई हैं, यानी कुरान अरबी, उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं,
जो बिशारत भी सुनाता है और खौफ भी दिलाता है, लेकिन उनमें से अक्सर ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं, और कहने लगे कि जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसकी तरफ से हमारे दिल पर्दों में है और हमारे कानों में बोझ यानी बहरापन है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है, तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। कह दो कि मैं भी आदमी हूं जैसे तुम, हां मुझ पर यह वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो सीधे उसी की तरफ मुतवज्जे रहो और उसी से मगफिरत मांगो। और मुशरिकों पर अफसोस है जो जकात नहीं देते और वो आखिरत के भी मुनकिर हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनके लिए ऐसा सवाब है जो खत्म ही ना हो। कहो क्या तुम उस जात का इनकार करते हो जिसने जमीन को दो दिन में पैदा किया और बुतों को उसका मद्दे मुकाबिल बनाते हो? वही तो तमाम जहानों का मालिक है और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी और उसमें सामान मईशत मुकर्रर किया सब चार दिन में और तमाम तलबगारों के लिए यकसां। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जबकि वो धुआं था, तो उसने उससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ खा खुशी से खा नाखुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर उसने दो दिन में सात आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से सजाया और शैतानों से महफूज रखा। ये उसी जबरदस्त बाखबर के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो कह दो कि मैं तुमको ऐसी चिंगाड़ के अजाब से आगाह करता हूं जैसे आद और समूद पर चिंगाड़ का अजाब आया था, जब उनके पास पैगंबर उनके आगे और पीछे से आए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, तो वो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्ते उतार देता, सो जो तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते। अब जो आद वाले थे वो नाहक मुल्क में तकब्बुर करने लगे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है? क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उनको पैदा किया वो उनसे कुव्वत में बहुत बढ़कर है, और वो हमारी आयतों से इनकार करते रहे? तो हमने भी उन पर नहुसत के दिनों में जोर की आंधी चलाई ताकि उनको दुनिया की जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही जलील करने वाला है, और उस रोज उनको मदद भी ना मिलेगी। और जो समूद वाले थे उनको हमने सीधा रास्ता दिखा दिया था मगर उन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधा रहना पसंद किया, तो उनके अमाल की सजा में जिल्लत के अजाब की कड़क ने उनको आ पकड़ा, और जो ईमान लाए और परहेजगार रहे उनको हमने बचा लिया। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोजख की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे फिर उनकी अलग अलग जमातें बनाई जाएंगी, यहां तक कि जब दोजख के पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और खालें यानी दूसरे आजा उनके खिलाफ उनके आमाल की शहादत देंगे, और वो अपनी खालों यानी आजा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों शहादत दी? वो कहेंगे कि जिस अल्लाह ने सब चीजों को नुत्क बख्शा उसी ने हमको भी गोयाई दी, और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था और उसी की तरफ तुम लौटाए जा रहे हो, और तुम इस बात के खौफ से तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और खालें तुम्हारे खिलाफ शहादत देंगी, बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि अल्लाह को तुम्हारे बहुत से अमाल की खबर ही नहीं, और उसी ख्याल ने जो तुम अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे तुमको हलाक कर दिया और तुम खसारा पाने वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करेंगे तो भी इनका ठिकाना दोजख ही है, और अगर तौबा करेंगे तो इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। और हमने इनके ऐसे साथी बनाए जिन्होंने इनके अगले और पिछले अमाल इनको उम्दा कर दिखाए थे, और जिन्नात और इंसानों की जमातें जो इनसे पहले गुजर चुकी उन पर भी अल्लाह के अजाब का वादा पूरा हो गया। बेशक ये नुकसान उठाने वाले हैं, और काफिर कहने लगे कि इस कुरान को सुना ही ना करो, और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो, सो हम भी काफिरों को सख्त अजाब के मजे चखाएंगे और उनके बुरे अमाल की जो वो करते थे सजा देंगे। ये अल्लाह के दुश्मनों का बदला है यानी दोजख, उनके लिए इसी में हमेशा का घर है। ये उसकी सजा है कि हमारी आयतों से इनकार करते थे। और काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, जिन्नों और इंसानों में से जिन लोगों ने हमको गुमराह किया था उनको हमें दिखा कि हम उनको अपने पांव तले रौंद डालें ताकि वो सबसे नीचे रहें। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और कहेंगे कि न खौफ करो
और ना गमनाक हो और बहिश्त की जिसका तुमसे वादा किया जाता है खुशी मनाओ। हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक हैं, और वहां जिस नेमत को तुम्हारा जी चाहेगा तुमको मिलेगी और जो चीज तलब करोगे तुम्हारे लिए मौजूद होगी। ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है। और उस शख्स से बढ़कर बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अमले नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो सख्त कलामी का ऐसे तरीक से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी वो तुम्हारा गर्म जोश दोस्त है। और ये बात उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और उन्हीं को नसीब होती है जो बड़े साहिब नसीब हैं। और अगर तुम्हें शैतान की जानिब से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, बेशक वो सुनता है जानता है। और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग न तो सूरज को सजदा करो और न चांद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने इन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है। फिर अगर ये लोग सरकशी करें तो अल्लाह भी इनसे बेनियाज है, क्योंकि जो फरिश्ते तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और कभी थकते ही नहीं। और ऐ बंदे, ये उसी की कुदरत के नमूने हैं कि तू जमीन को दबी हुई यानी खुश्क देखता है, फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो वो शादाब हो जाती और फूलने लगती है। बेशक वो जिसने जमीन को जिंदा किया वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। बेशक जो लोग हमारे अहकाम से इन्हिराफ करते हैं वो हमसे पोशीदा नहीं है। भला जो शख्स दोजख में डाला जाए वो बेहतर है या वो जो कयामत के दिन बेखौफ होकर आए? तो खैर, जो चाहो सो कर लो, जो कुछ तुम करते हो वो उसको देख रहा है। जिन लोगों ने नसीहत को न माना जब वो उनके पास आई, हालांकि ये तो एक आली रुतबा किताब है, इसमें झूठ का दखल न आगे से हो सकता है न पीछे से। ये किताब हिकमत वाले खूबियों वाले की उतारी हुई है। ऐ पैगंबर, तुमसे वही बातें कही जाती हैं जो तुमसे पहले पैगंबरों से भी कही गई थीं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्श देने वाला भी है और अजाब अलीम देने वाला भी। और अगर हम इस कुरान को गैर अरबी जबान में नाजिल करते तो ये लोग कहते कि इसकी आयतें हमारी जबान में क्यों खोल कर बयान नहीं की गई। क्या खूब कि कुरान तो अजमी और मुखातब अरबी। कह दो कि जो ईमान लाते हैं उनके लिए ये हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में गरानी यानी बहरापन है, और ये उनके अंधेपन का बाइस है। उनको गोया दूर की जगह से आवाज दी जाती है। और हमने मूसा को किताब दी, फिर उसमें इख्तिलाफ किया गया, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता। और ये इस कुरान की तरफ से बड़े भारी शक में पड़े हैं। जो नेक काम करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे काम करेगा तो उनका जरर उसी को होगा। और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं।